हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू महादेव की ज्योति। तो क्या आपके पास भी इस तरह का टॉवल है, पुराना नया या फिर छोटा बड़ा? तो इस टॉवल से हाथ पोंछ कर इसको फेंकिए सिर्फ मत, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ आप कर सकते, इमरजेंसी में बहुत ही काम आएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमें इमरजेंसी ऐसी पड़ जाती है इस चीज़ की कि जो हमें मिलता नहीं है, और ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है कि तुरंत हमें चाहिए रहता है, पर हमें कोई यहाँ मिलता नहीं है। और पैसे में मतलब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते, या फिर कहीं जाते हैं तो तुरंत में ये मिल नहीं जाता, और इसका मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ऐसी चीज़ हम इससे बनाएंगे, और सिर्फ टेप और रुमाल से, क्योंकि पता टेप भी नहीं है आपके पास तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। रुमाल ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास होता ही है, पर ऐसी चीज़ हो बनाने जा रहे हैं जो कि हम कहीं जाते हैं और अचानक इसकी ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें कहीं भी नहीं मिलता, और किसी से मांगते हैं तो भी नहीं मिलता, क्योंकि इसको हर कोई लेके नहीं घूमता है। तो पहला यूज़ तो मैं आपको इसका ये बता देती हूँ कि आपको टेप या किसी भी रोल में इसको इस तरह से रोल करके रख दीजिए, और फिर इसको इस तरह से पिन या फिर सुई आप इसमें अटैच करके रख दीजिए, आपकी पिन सुई कुछ भी नहीं घूमेगा। ये इसका नॉर्मल यूज़ था। अब मैं आपको स्पेशल यूज़ बता दूँ, इसकी एक पॉलीथिन ले लीजिए, जो कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें बहुत जल्दी जाती है पॉलीथिन, कोई भी चीज़ लो उसमें आती है पॉलीथिन, और हैंकी वगैरह हम अपने साथ लेके ही घूमते हैं, और जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसकी एकदम इमरजेंसी में हमको ज़रूरत है, और जो कि हर किसी के पास नहीं होता है, और हम भी इसे लेकर अचानक नहीं जाते। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम इसको लेकर नहीं जाते, और अधिकतर औरतें तो इसको लेती ही नहीं जाती, और औरतों की ये बहुत काम आ रहा है। तो देखिए, इस तरह से आपको हैंकी को रखना है, और कोई भी आपके पास जब इमरजेंसी में पॉलीथिन हो उसको इसके बीच में रख दीजिए, और कुछ मैं फोल्ड कर रही हूँ, कुछ इसी तरह से आपको हैंकी को फोल्ड करना है, और बस ये आपका बन के रेडी हो गया है। बस आपको आप क्या करना है कि कोई भी टेप ले लीजिए, इस तरह का टेप लीजिए जो कि हम मार्केट में जाएंगे, या फिर मार्केट में नहीं जाते तो भी ये हमें मिल जाता है या हमारे पास पड़ा होता है। और अगर आपके पास टेप भी नहीं है तो आप इसको ऐसा ही यूज़ कर लीजिए। बस अगर आप घर पे हो और आपके पास इतनी जल्दी लाने का पैसा नहीं है या आपके पास समय नहीं है, तो आप इस तरह से हैंकी से टेप के साथ बना सकते हो। जी हाँ, हम ये बना रहे हैं पैड, जो कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो हमें पैड ढूंढने पर भी नहीं मिलता, और पीरियड एकदम से आ जाते हैं, हमको पता भी नहीं होता। इसमें महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी आ जाती है, तो इस परेशानी में आप इस तरह से हैंकी का यूज़ करके अपने लिए पैड बना सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स का कोई ठिकाना नहीं रहता कब आ जाए। और ऐसा ही देखिए, ये यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है। आप टू साइड टेप से इसको चिपका सकते हो, या फिर इसी टेप से इसको चिपका लीजिए, या फिर इमरजेंसी में तो टेप ना भी हो तो भी ये ऐसे काम दे देगा। तो आपको जब भी पीरियड्स हो जाए तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेड नहीं मिले तो आपके पास हैंकी तो होता ही है, हैंकी का यूज़ करके आप अच्छा हेडमेड पेड बना सकते हैं, जिसे आप इमरजेंसी में तो यूज़ कर ही सकते हो। साथ पे जब आपको लगता है कि कोई रुमाल या ख़राब हो गया है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, कोई कॉटन का कपड़ा भी इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो, और ऐसा करने से आपके पैसा तो बचेगा ही। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा आइडिया। तो देखिए, इस तरह के आपको एक सिर्फ इस तरह की चूड़ी जो आपके पास पड़ी है उसका यूज़ करना है, और जो आपके पास टॉवल, कोई भी टॉवल हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, उसको लेना है, और इसका इतना यूज़फुल यूज़ है जिसका मतलब आप डेली में बहुत ही इसका आपका काम आएगा, बहुत ही इसका काम आता है डेली में, हमें मतलब ज़रूरत पड़ती ही रहती है। सुबह में हम 10 बार इसको यूज़ करते हैं, पर हम इसे लेने जाएँगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, और इसका यूज़ हम करना छोड़ नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ बनाएंगे सिर्फ एक चूड़ी से और इस टॉवल से, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो देखिए, इस तरह से हैंकी को हमको लेना है, जो कि हर किसी के घर में होता है, और आप कोई भी पुराना नया कोई भी टॉवल ले सकते हो, हैंकी ले सकते हो, इस तरह का जो टॉवल जैसा होता है उसका यूज करके आप बहुत ही अच्छी चीज बना सकते हो। तो आइए देखिए, इस तरह से आपके पास कोई भी मेटल की या फिर मतलब जो सीप वगैरह की चूड़ियाँ होती है प्लास्टिक की, वो चूड़ी ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा मोटा हुआ चूड़ी लिया है, आप छोटा पतला जैसा भी आपके पास हो वो ले लीजिए। आप कांच का भी यूज़ कर सकते हो, पर कांच की चूड़ी टूट जल्दी जाती है, तो आप हो सके तो मेटल का ही लेना, और फिर इस तरह से कुछ चन्नटे डालकर टॉवल में, और फिर इसको इस तरह से मोटे धागे से आप अटैच कर दीजिए। इसमें मशीन लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, सुई धागे से आप इसको अटैच
कर दीजिए, और इतनी यूज़फुल चीज़ होने वाली है जो कि आपके पेट पेट पे काम आने वाली है। तो इससे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है, सुई धागे लेना है और इस तरह से इसको अटैच कर देना है। तो इसे बनाने में बिल्कुल भी आपकी मेहनत नहीं लगेगी, बस सुई धागे से आपको इस तरह से टांके लगाना है और ये इतनी यूज़फुल चीज़ बन के रेडी हो जाएगी कि ये आपके हर मतलब हर दो मिनट में ये आपके काम आने वाली है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि टोबिल हमारे घर में इधर उधर पड़ा रहता है और हम इसका यूज़ नहीं करते, इधर उधर फिकता फिरता है। तो आप इस तरह के बनाकर बहुत सारे रेडी कर लीजिए। तो ये हमने टोबिल बनाए हैंडमेड, मतलब जो हैंडमेड पोंछने के लिए। तो आप इसे किचन में, बाथरूम में या फिर अपने गेट के पास अटैच कर दीजिए, टांग दीजिए, जिससे आप कभी भी जैसे कि हाथ वगैरह धुलते हैं तो आप कपड़ों से पोंछते हैं तो वो मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। इससे क्या होता है, हमारे कपड़े तो गंदे होते ही हैं, साथ में हमारा कपड़े गंदे हो जाते हैं, साथ में हमारा सब मतलब पर्दे वगैरह भी हम गंदे कर देते हैं हाथ पोंछ पोंछ के। तो आप क्या कीजिएगा, दो तीन तो आप इस तरह के टोबिल बना बना कर हर जगह टांग दीजिए, जिससे नीचे भी टांग दीजिए, ऊपर भी टांग दीजिए, जिससे बच्चों के हाथ भी पहुंच जाए तो वो पर्दों से हाथ ना पहुंचे और आपके हाथ पहुंच जाए तो आप भी हाथ किचन वगैरह में, बाथरूम में, कमरे में, सब में टांग दीजिए, जिससे आपके कपड़े बचे रहें और टोबिल यूज़ होता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो देखने चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही काम आ सकती हैं, तो आप वो सब वीडियो भी देख लेना जिससे आपका फ़ायदा हो जाए। अपने दोस्तों से रिश्तेदारों के साथ शेयर कर देना जिससे कि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।